बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें। एक अभिनेत्री, रियलिटी टीवी की जज और योगा गुरु शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर में ऐसे कई अलग अलग किरदार निभाए हैं। एक बेहतरीन बेटी होने के साथ साथ वो आज एक बहुत ही बेहतरीन माँ भी है। हाल ही में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने तीन के परिवार को चार कर एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को सरोगेसी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा, इसका शिल्पा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया। शिल्पा ने बताया कि उन्हें हमेशा से उनके बेटे विहान के लिए चाहिए था एक भाई या बहन, लेकिन शिल्पा हुई थी डायग्नोस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे APLA भी कहा जाता है, के साथ, जिसके कारण कई बार शिल्पा का हुआ मिसकैरेज। यहां तक कि शिल्पा ने बहुत कोशिश भी की बच्चा गोद लेने की, लेकिन इसमें भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और शिल्पा को तो लगने लगा कि दूसरे बच्चे का सुख उनके लिए एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चार साल तक तीन बारी सरोगेसी की कोशिश करने के बाद शिल्पा और राज को भगवान की ब्लेसिंग से हुई एक बेटी, जिसका नाम उन्होंने रखा समीशा। इस साल शिल्पा ने अपना पहला मदर्स डे अपने दोनों बच्चों के साथ मनाया और लगता है इस खूबसूरत परी के आने के बाद कुंद्रा परिवार वापस एक बारी पूरा हो गया है।